स्वागत है आपका। यहाँ पर हम आपके लिए एक और बार लेकर आए हैं क्रिकेट से जुड़ी पांच बड़ी खबरें जो कि पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों ऐसी वीडियोस को आप काफी ज्यादा पसंद करते हुए आए हैं और ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहली खबर की, जहां पर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम की। तो वेस्ट इंडीज टीम ने यहां पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और आपको बता दें कि ओडीआई और टी20 का कैप्टन जो है वो चेंज कर दिया है वेस्ट इंडीज की टीम ने। जहां पर ओडीआई के कैप्टन थे जेसन होल्डर, टी20 में कैप्टनसी करते थे कार्लोस ब्रैथवेट, लेकिन अब यहां पर दोनों ही फॉर्मेट की जो कैप्टनसी है वो दे दी गई है कायरन पोलार्ड को। यह बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है और कायरन पोलार्ड जो है वो बन चुके हैं टी20 और ओडीआई के कैप्टन वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप 2020 में हमें कायरन पोलार्ड जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें दोस्तों दूसरी खबर की, जहां पर हम बात करेंगे श्रीलंका टूर ऑफ पाकिस्तान की। हमने आपको बताया था कि कैसे तीन प्लेयर ने जो है पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था ओडीआई सीरीज के लिए, लेकिन अब ये नंबर जो है वो बढ़ चुका है और टोटल 10 प्लेयर्स जो है उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। श्रीलंका के 10 बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और अब ये सीरीज जो है वो कंफर्म कैंसिल होने वाली है या फिर यूएई में जो है इसको शेड्यूल किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने इन सभी का पूरा ब्लेम जो है वो यहाँ पर बीसीसीआई को दे दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई ने श्रीलंकन प्लेयर को मना किया है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो आईपीएल में उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा आरोप जो है वो लगाया है पाकिस्तान के स्पोर्ट मिनिस्टर ने, जिसके बाद दोस्तों श्रीलंका के जो मिनिस्टर है उन्होंने इस पर पूरी तरीके से सफाई दे दी है और इसको पूरी तरीके से जो है वो खारिज कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर हम बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की। तो पंजाब के लिए यहां पर अच्छी खबर है, जहां पर इनके ओपनर जो है वो बहुत ही अच्छे टच में है। हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रिस गेल की। दोस्तों करेबियन प्रीमियर लीग में पूरी तरीके से क्रिस गेल छाए हुए हैं, जहां पर जब क्रिस गेल की टीम को 242 रन चेस करने थे वहां पर इन्होंने शानदार 116 रनों की पारी खेली सिर्फ 62 गेंदों में। पूरी तरीके से छाए रहे इस मैच में क्रिस गेल और ये काफी अच्छी खबर है क्रिस गेल के फैंस के लिए, किंग्स 11 पंजाब के फैंस के लिए, क्योंकि क्रिस गेल जो है उनको रिटेन करने वाली है किंग्स 11 पंजाब की टीम और आशा करें कि वो ऐसी ही फॉर्म में आईपीएल 2020 में भी हमें दिखाई दे। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर रबाडा की, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बहुत ही अजीब बयान जो है वो दिया है। जहां पर जब उनसे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के बारे में पूछा गया इंडिया दौरे से पहले, तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो गुड बॉलर है। यहां पर मीडिया जो है वो बहुत सारे प्लेयरों को हाइप देती है, यानी कि उनका कहना है कि जसप्रीत बुमराह को जो है मीडिया हाइप दे रही है ज्यादा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा हूं और यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा आप जो है वो टॉप पर नहीं बने रहेंगे। ये शब्द जो है उन्होंने यूज किए जसप्रीत बुमराह के लिए, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा जेलस जो है वो है रबाडा जसप्रीत बुमराह से। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों आखिरी खबर की, जहां पर हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की टीम की। दोस्तों आपको बता दें रिसेंटली अफगानिस्तान की टीम ने टेस्ट में बांग्लादेश की टीम को जो है वो हराया है, वो भी बहुत ही बड़े अंतर से, जहां पर बांग्लादेश की कप्तानी जो है टेस्ट में वो कर रहे थे शाकिब अल हसन जो है वो टेस्ट और टी20 दोनों में ही बांग्लादेश की टीम के कैप्टन है। और यहां पर इस हार के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो मेंटली पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है बांग्लादेश की कैप्टनसी करने के लिए, यानी कि वो बांग्लादेश की टीम की कप्तानी जो है वो छोड़ना चाहते हैं। ये बड़ा बयान जो है वो दिया है शाकिब अल हसन ने। अब दोस्तों अगले साल जो है वो है टी20 वर्ल्ड कप, अब देखते हैं यहां पर बांग्लादेश की टीम कोई नया कप्तान लेकर आती है या फिर शाकिब अल हसन को ही जो है वो मनाया जाएगा कि वही जो है वो कप्तानी करे। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या शाकिब अल हसन जो है वो सही में कप्तानी के लायक नहीं है, मैच्योर नहीं है, या फिर उन्हें ही जो है वो करनी चाहिए कप्तानी बांग्लादेश की टीम की? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। ये पांच बड़ी खबरें जो है वो निकल कर आई थी पिछले कुछ दिनों में जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।